Great. So we have another day, and we have with us author, coach, Mr. Shishir Verma, जिनकी किताब Black or White, The Money First Generation आ चुकी है, बहुत धूम मचा रही है, and we've been talking to him about the different facets of a corporate life. So we spoke about the different types of managers. I think before saying welcome and hello, I would like to say, Kidra, when you thought that there are only 10 types of managers, यहाँ 5 किस्म के employees भी हैं जिनके बारे में आज शिशिर हमसे बात करेंगे. So good morning and वंदे मातरम शिशिर. गुड मॉर्निंग और वंदे मातरम आपको भी और सभी दर्शकों को जो सुन रहे हैं. तो शिशिर, आपने मैनेजर्स की किस्में बता दी, हमें इम्प्लॉयज की किस्में आप बताने वाले हैं. ओके, मैं ना पहले आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ. जो ये 9 से 9:30 से 5:30 काम करते हैं, ये बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आए हैं, कैसे कर रहे हैं. ओके, इसका ना हमारी सिविलाइजेशन या सभ्यता या संस्कृति से बहुत जुड़ा हुआ है. जो 2000 ईयर्स से जो हमारी एक एजुकेशन थी, जिसमें हमारे 18 सब्जेक्ट पढ़ते थे, लेकिन जिस दिन से 1835 से अपने इंडियन एजुकेशन एक्ट तक आया ना, उस दिन से हमारी एजुकेशन बिल्कुल बदल गई है. तो आज जो भी हम नौकरी करते हैं, जो हम करते हैं, ये अंग्रेजों ने जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन भी रखे थे उसके कारण करते हैं. हमारी एक एजुकेशन है जिसमें यू नो कि हमने जो पहले रोबोट बनाना स्टार्ट कर दिए, जो क्रिएटिविटी है, जो स्किल है, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल है, जो पहले हमारे सब्जेक्ट थे वो बेसिकली सारे एंटरप्रेन्योर बनाते थे हमको, हर अलग सब्जेक्ट सबको सिखाते, उसके कारण भी किस हुआ है. एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि पहले जो है ना, हमारे करीब 2000 साल से हमारे सबसे हमारी लैंग्वेज जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हमारी संस्कृत थी. जो हमारे वेद है, उपवेद है, उपनिषद है, ब्राह्मण है, तो हमें वो सब शास्त्र सिखाते थे और शस्त्र और शौर्य भी सिखाते थे. जब हम तीनों चीजें सीखते थे तो उसके बाद हमारा डेवलपमेंट ऑलराउंड होता था. तो जो आज हम आपके बड़े के रूप में बात करने वाले हैं, जो हम 5 employees के बारे में बात कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड बहुत समझना जरूरी है कि हमने धीरे धीरे करके एंटरप्रेन्योरशिप छोड़कर हम धीरे धीरे करके नौकरी वालों को बनाना स्टार्ट कर दिया, तो हमारी जो क्रिएटिविटी स्टेज है वो धीरे कम होती गई. नतीजन क्या हुआ, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली बैकग्राउंड में हुआ ये कि 60-70% आज जो हमारे लोग काम करते हैं वो 3 आवर्स से ज्यादा काम नहीं करते. जो मेरा पर्सनल, जो मैंने 1 लाख लोगों को जो ट्रेन किया है और जो मैंने कंपनी में जाके कंसल्टेंसी करी हुई है, इनमें काम चोरी जो है वो हमारे DNA में आ गई है. जो 20% लोग हैं वो ही लोग काम करते हैं और 80% जो है वो काम दिखाते हैं. इन्हें आप पकड़ नहीं सकते. जो कॉर्पोरेट में हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो, PSU में, हर जगह यही हाल है. जो बॉसेज हैं वो भी इन 20% से ही काम कराते हैं और वो बहुत ओवरलोडेड रहते हैं और बाकी ना तो काम करने की इच्छा रखते हैं और ना ही उनमें कॉम्पिटेंसी है. लेकिन ये अच्छा मतलब ये नहीं कि 80% बिजी नहीं है, उनके पास और बहुत सारी एक्टिविटीज जिसमें वो बिजी है. जैसे वो शेयर मार्केट में बिजी है, स्टॉक मार्केट में बिजी है, वो साइड बिजनेस चला रहे हैं, वो घर के काम कर रहे हैं, तो काम सभी कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो ऑफिस का काम कर रहे हैं. एक्चुअली अगर देखा जाए तो अगर बता रहे इनकी आप अगर ROI निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने लोग वाकई में काम करते हैं. इसलिए मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि 5 employees को बताने के लिए अब अप्रेजल देगा ना, हमें एक रिटेनरशिप की जरूरत है जिसमें हम पहले पूछ सकें कि हम आपको क्यों रिटेन करें. जब वो रिटेन होते हैं उसके बाद हमें अप्रेजल करना चाहिए. ये मेरा बेसिकली फर्स्ट नॉर्म है 5 employees के ऊपर बताने के पहले. तो 5 employees में से मुझे जितना मैंने पढ़ करके समझा है वो हॉकर्स हैं, बीचर्स हैं, सुनोजीज हैं, योगीज हैं, बर्डीज हैं. आप अपने फेवरेट के हिसाब से शुरू करिए. ओके, नहीं मैं अगर आपको फेवरेट बताऊंगा तो उसमें योगी हो जाएगा, लेकिन मैं शुरुआत से करूंगा कि दो लोग हैं जो काम नहीं करते हैं और 3 लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा काम बढ़ाते हुए आखिरी में मैक्सिमम काम वाले लोग हैं, वहां से हम स्टार्ट करते हैं. क्योंकि मैं शुरुआत जो है वो हॉकर से करना चाहूंगा. जो अपन ने जो हम जो सब्जी मार्केट में देखते हैं ना, हॉकर जो हाथ लगता है, जो सब्जी वाले चिल्लाते रहते हैं, मैंने हॉकर को कैटेगरी में रखा है. यू नो, ये बहुत ज्यादा बात करते हैं, बहुत जोर का बात करते हैं, किसी की सुनते नहीं है. इन्हें बहुत अच्छा लगता है कि ये जोर का बोलते हैं. बॉसेस भी इनसे थोड़ा बहुत डरते हैं, सबॉर्डिनेट भी थोड़ा बहुत इनसे डरते हैं, कलीग भी इनसे डरते हैं. ये ऐसे लोग हैं, इन्हें बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जोर का बोलते हैं, अपनी बात बोल लेते हैं, लोग सुने या ना सुने इनसे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता. केवल वो लोग हैं कि काम का जिक्र करो, जिक्र नहीं तो फिक्र करो और फिक्र नहीं तो कुछ मत करो, लेकिन अपने आप को बिजी दिखाओ और जो कहीं बताओ कि ओहो मेरे पास बहुत काम रहता है. तो मैंने हॉकर्स को उस कैटेगरी में रखा हुआ है. सेकेंड आता है मेरा, जिसको मैं बीचर्स कहता हूँ. ये मैंने अपनी जो बीचेस होते हैं जो समुद्र किनारे उनके उठाया हुआ है.
देखो वेस्टर्न में वेस्टर्न फिलोसफी में या वेस्ट के लोग जो है उनके बीच हुए जो है वो उनके बीच में कॉमन है, लेकिन इंडियन मेल्स में आज भी बीच हुए कॉमन नहीं है। तो जिस तरह से हम देखते हैं किसी के नाते मैंने बीचर्स रखा हुआ है, बीचर्स में कोई शर्म नहीं आती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां सीनियर है या जूनियर है, ये अपनी बात धड़ल्ले से बोल देते हैं। अगर ये बेवकूफी की बात भी कर रहे हो, काम कम भी कर रहे हो, कुछ भी बोल देते हैं तो दूसरों को शर्म आ सकती है, पर इनको फर्क नहीं पड़ता। ये काम करते वक्त इतना ध्यान नहीं रखते जितना इस बात का ध्यान रखते हैं कि इनकी बात जो है वो दूसरों तक किस तरह से जा रही है। इनको निगेटिविटी और पॉजिटिविटी का फर्क ही नहीं पता है, लेकिन इनको ये बड़ा अच्छा लगता है कि ये दूसरों को अनकंफर्टेबल कर दें, इसलिए ये हाईली अनकंफर्टेबल क्वेश्चन दूसरों से पूछते हैं। काम कम करते हैं, काम न दिखाने की जरूरत जो है वो ज्यादा रखते हैं। तो ये दो मेरे जो है इनको मैं कह सकता हूँ कि जो जो लोग कम काम करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, तीन लोग ऐसे भी हैं जो काम करते हैं। ये जो पहली कैटेगरी जो आती है उसको मैं सुनोजी हुए, इन्हें सुनने में मजा आता है। ये बीच मीटिंग में अगर आप देखोगे 10 लोगों की मीटिंग है तो 6 या 7 लोग आपको एक साथ ऐसे जरूर मिलेंगे, ये शांत रहते हैं, ये मीटिंग में आते हैं साइलेंट ऑब्जर्वर रहते हैं, ज्यादा होगा तो नोट बनाते हैं, चुपचाप सुनते हैं, सब कुछ अपनी बात को मुस्करा देते हैं, कुछ बोलते नहीं है, लेकिन अपने कोर ग्रुप में जाकर इन्हीं लोगों की वो मिमिक्री करते हैं। ये काम करते भी हैं, थोड़ा बहुत काम भी करते हैं, शांत भी रहते हैं, हाँ में भी हाँ मिलाते रहते हैं। ये 9.5 से 5.5 की टिपिकल कैटेगरी है कि जब आए हैं तो काम करें, तनख्वा मिल रही है और चले जाते हैं। फिर आता है योगी। योगी जो है वो सबसे ज्यादा काम करने वाला, ये 20% ऑफ दी इम्प्लॉयज है जो इंडिया में, जो लोग वाकई में 10-20% लोग काम करते हैं, ये एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग है। ये डिपार्टमेंट जो है इनके कारण चलता है, यानी जो लोग काम करने वाले हैं, ये बॉस के पास भी रहते हैं, ये नीचे भी रहते हैं, ये दोस्तों के बीच में भी रहते हैं, ये पॉलिटिक्स में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, ये कोर डिस्कशन में तो चुपचाप रहते हैं, ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन काम करने में बहुत विश्वास करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें काम करना अच्छा लगता है, जो काम करने आते हैं, और अगर आप पूछो तो कंपनी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या PSU इन्हीं के भरोसे चलता चला रहा है। तो ये मेरे फोर्थ कैटेगरी है। लास्ट कैटेगरी जो है मैं उसको बर्डीज बोलता हूँ, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। ये वो लोग हैं जो टाइम पास के लिए आए हुए हैं, ये वो लोग हैं जो काम भी करते हैं और नहीं भी काम करते हैं, ये वॉकर द बीचर के साथ भी मजा करते हैं, ये योगी के साथ भी काम कर लेते हैं और ये सोनोजीज के साथ भी रह लेते हैं, ये व्हाट्सएप भी देखते हैं, ये फेसबुक भी देखते हैं, ये मस्ती भी करते हैं, ये 3.5 घंटे काम भी कर लेते हैं और 3.5 घंटे मस्ती भी कर लेते हैं। ये वो लोग हैं जो खुशमिजाज भी हैं, काम भी करते हैं। तो कंपनी जो है वो सबसे ज्यादा योगी से काम चलती है, योगी के बाद मैं कहूंगा बर्डी से काम चलती है, बर्डी के बाद सोनोजीज से, और फिर जो ऑब्स्टिकल वाले जो लोग हैं वो आपके हॉकर्स और टीचर्स आपके रहते हैं। इस तरह से मैंने पांचों को डिफाइन किया। क्या बात है सर, आपने तो बिल्कुल फोर पट्टी सबकी खोल दी है। सीम्स लाइक अब सब सोच रहे होंगे कि अपना जो ट्रैक है वो कैसे चेंज करें और कैसे लोगों की नजरों में अच्छे बने और बेहतर काम कर सकें। और जैसे कि आपने मुझे बताया, आई थिंक सबको पता होना चाहिए, हम सबको पता ऑलरेडी होगा जो नौकरियों में काम करते हैं कि 3 घंटे ही ऑन एन एवरेज एक एम्प्लॉय 9 घंटे की नौकरी में काम करता है। मैं राइट शिशिर? जो 3 लाख से ऊपर सिर्फ योगी में जो काम करते हैं, बाकी कोई भी अगर आप देखोगे इंडिया में 70-80% एम्प्लॉय जो है वो 3 घंटे के ऊपर काम नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये तो COVID-19 के कारण थोड़ा बहुत वर्किंग में चेंज आया हुआ है, वरना इंडिया में ये बहुत ऑब्वियस एंड कॉमन है कि काम दिखाओ, लेकिन काम जो है वो 3 लाख से ज्यादा बहुत कम लोग हैं। जो ट्रांजेक्शन पे बैठा है, जैसे कोई आदमी कैशियर के सीट पे बैठा है या जो टोल स्ट्रीट पे जो कैशियर ले रहा है, वो तो एक आज काम कर रहा है, लेकिन कंपनी में कई तरह के लोग होते हैं जो कई तरह काम करने वाले लोग हैं, उनमें अगर आप देखोगे तो 70-80% लोग हैं जो 3 लाख से ज्यादा काम नहीं कर रहे। काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हैं, और अगर आप इन ऑब्जर्वेशन को पूरी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये बुक ब्लैक और व्हाइट द मनीफोल्ड जनरेशन बाय शिशिर वर्मा, यू हैव टू गो सर्च फॉर इट, ऑनलाइन अवेलेबल है, आपके बुक स्टॉल्स में अवेलेबल है, जहां भी जाएंगे आपको मिलेगी। प्लीज गो एंड बाय दिस बुक एंड हैव अ गुड रीड। थैंक यू सो मच शिशिर फॉर शेयरिंग सो मच विद अस। थैंक यू। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। ओके।